मैंने एक बार एक डाइट किया था और उन्होंने धीरे धीरे मेरा सब खाना बंद कर दिया। आपका शुगर को लेकर क्या थॉट है? कुछ इमोशनल एनर्जी के फूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाय मेरा एनर्जी फूड है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज अ लाइफ टाइम जर्नी, एक महीना दो महीने की बात नहीं है। और अगर आप ये करेंगे तो आप अपने ही बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम ये सोचें कि हमारी किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है, भगवान हमारे लिए ऐसा चाहता है, या फिर हम ये सोचें कि हमारे एफर्ट की कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्पिरिचुअल, मैं रोता नहीं हूँ। अरे बहुत रोते हैं स्पिरिचुअल लोग। आज पहली बार इस चैनल पे मेरे साथ कोई और भी है। इनका नाम है जया किशोरी और इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जया जी ने 6 साल की उम्र से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी थी और आज ये एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर है। आज की इस वीडियो की एक और बहुत ही खास बात है, आज हम हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और वेट लॉस को एक बहुत ही नए स्पिरिचुअल एंगल से जानेंगे। जया जी ने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है तो उनकी वेट लॉस जर्नी से भी कुछ लेसन्स लेंगे। इसके अलावा लाइफ की कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें जैसे कि रिलेशनशिप्स या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई भी हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड गोल है तो उसके लिए आप मेरे कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम का फायदा ले सकते हो, जिसमें आपको सिंपल, होमली, घर का हेल्दी खाने के ऑप्शन भी मिलेंगे। इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ लेट्स वेलकम जया किशोरी जी। आपने वेट लूज किया अपना, तो कोई टिप्स आपकी अपनी जर्नी से वेट लॉस टिप्स? लाइफस्टाइल, क्योंकि शुरुआती जैसा मैंने कहा मैंने क्रैश डाइट्स भी किए हैं और मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ उस चीज़ के लिए। और उस वक्त मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज हुई थी कि कुछ आपके एनर्जी फूड्स होते हैं, कुछ आपके इमोशनल एनर्जी फूड्स होते हैं और वो आपके माइंड को जो हैम्पर करते हैं अगर नहीं मिले, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक बार एक डाइट किया था और उन्होंने धीरे धीरे मेरा सब खाना बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया और वेट लॉस हो रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, बट उसका दूसरा साइड हो रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये मेरे साथ इतने सालों में कभी नहीं हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं बुक खोल के आधी घंटे से बैठी और मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा, और मैं कभी सीलिंग देख रही हूँ या मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने पूरा वीडियो देखा और लगा 15-20 मिनट वीडियो खत्म हुआ और मुझे वीडियो क्या था, लाइक अब ये फूड असर दे रहा है कि आपको जो खाना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा। तो तब मुझे समझ आया कि ये एक टेम्पररी जर्नी नहीं होती, ये एक परमानेंट जर्नी है। तो इसलिए अब मेरा एक लाइफस्टाइल बन चुका है और मैं एक बैलेंस बना के, तो जब मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने फूड पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं जंक ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। जब आप यहाँ करते तो यहाँ थोड़ी सी आप छूट देते हैं कि क्योंकि आप वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग, तो ये बैलेंस मैं रखती हूँ कि मेरे और लाइफस्टाइल है, अब मैं इसको कभी रोकूंगी नहीं, कि ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और आप, मैंने वापस भी वेट गेन किया है पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये चलेगा, आप जिंदगी भर एक वेट पे नहीं रह सकते। तो शायद वो जो कुछ दिन मैं बहुत खुश थी और हम एक वेकेशन पे थे, फैमिली के साथ थे, और तब मैंने अपने आप को रोका नहीं कि नहीं ये समय आपको बार बार नहीं मिलता कि आप यहाँ पर भी बहुत ये नहीं वो नहीं खाना ये नहीं करना कि चार लोग अच्छे से खा रहे एक मैं ही हूँ जिसके इधर नखरे हैं। तो मैंने उसके बाद वेट गेन हुआ, आई एम लाइक ओके अब वापस आप काम करो, वापस से डाइट पे आ जाओ कि आप वापस आपकी जो जर्नी थी उस पर आ जाओ। सो इट्स ओके, हार मत मानो कि मैंने 10 दिन नहीं रूटीन फॉलो किया तब तो होगा ही नहीं, फिर 10 दिन बाद वापस से रूटीन फॉलो कर लो। तो ये एक मुझे बहुत समझ आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ लाइफ टाइम जर्नी, एक महीना दो महीने की बात नहीं है। और अगर आप ये करेंगे तो आप अपने ही बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे आपने खाने पीने की बात की, रॉ फूड्स या रियल फूड्स खा के, बट एट द सेम टाइम हर किसी की बॉडी टाइप भी अलग होती है, किसी के लिए कोई खाना सही है, किसी के लिए ज़्यादा तीखा खाना गलत है और किसी के लिए शायद उसकी बॉडी की नीड है। तो अलग अलग तरह के बॉडी नेचर्स होते हैं, वात पित्त वगैरह, तो किसी के लिए ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा रिकमेंडेड है, किसी के लिए ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी फूड रिकमेंडेड है, और उसी तरह से हमारी क्रेविंग्स भी होती हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि मैं सब लोग एक तरह का खाना खा के ही सही मन से काम कर सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा अति, तो मान लीजिए किसी के लिए ठंडा अच्छा है, पर क्या वो सिर्फ ठंडा खा सकता है?
कि वो ठंडा ही ठंडा ज्यादा करे, वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा उसको। अब मान लीजिए किसी के लिए कि उनका शुगर कहते हैं ना लो है, तो क्या आप चॉकलेट इतना खिला दोगे कि उसको शुगर हो ही जाए? ये भी नहीं ना। तो आप बैलेंस की बात करेंगे, रीच फॉर दैट बैलेंस, कि रीच फॉर दैट बैलेंस, कि उसका बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा तीखा, या तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई भी इंसान तीखा कभी ना खाए, जो एक है ना वीक में एक बार, क्या वो वीक में आपने एक बार, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मुझे तो रोज खाना है क्योंकि मुझे क्रेविंग, अभी क्रेविंग एक बहुत बड़ा है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो बात होती है इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। तो क्रेविंग क्या है कि मन बोल रहा है खाओ, पर आपको पता होना चाहिए उस वक्त मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी मेरे रूटीन में नहीं है तो नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर गया कि आपका कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए आपकी क्रेविंग्स। और ये क्रेविंग किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, फूड को लेकर, थॉट को लेकर, घूमने को लेकर, कोई इवेंट को लेकर, कोई एक्ट को लेकर, बट वो क्रेविंग आपसे गलत नहीं कराना चाहिए जो आपके लिए उस वक्त नेसेसरी नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला यही थॉट प्रोसेस कि आप एक स्लेव नहीं बनने चाहिए अपनी क्रेविंग्स के। और जैसे मैंने कहा क्रेविंग्स किसी भी तरीके का, भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा है, डोंट बी अ स्लेव। शुरुआत तुम्हारे इंद्रियों से होती है जब मेरे ऊपर कंट्रोल है। अब कंट्रोल के ऊपर लेकर कोई बहुत लोग सप्रेशन पे चले जाते हैं कि मैं इमोशंस को, रोना आ रहा है दबा दो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्पिरिचुअल, मैं रोता नहीं हूँ। अरे बहुत रोते हैं स्पिरिचुअल लोग, पर आपको पता होना चाहिए उस वक्त वो जरूरी है कि नहीं। आई थिंक उस सिचुएशन से ऊपर उठ के एक बार सिचुएशन को देखना, तो वो आप मालिक बन गए कि मैं बताऊंगा शरीर को कि क्या करना है और क्या नहीं, शरीर नहीं बताएगा मुझे। अच्छा, हमने बहुत सारी खाने पीने से रिलेटेड बात की, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मेरी मॉम एक्चुअली महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्रियन खाना थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट इज बेसन चावल, आई डोंट नो ये आप लोगों को पता है कि नहीं। चावल तो बेसन एक सेमी लिक्विड सब्जी जैसा कुछ बनता है। अच्छा, और राइस प्रॉपर वाइट राइस आप जो खाते हैं तो महाराष्ट्र साइड में कई घरों में बहुत ज्यादा बनता है, ये मुझे काफी पसंद है। मैं मोस्टली नॉर्थ इंडियन खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो आप ऐसा है कि आप सात्विक खाना खाते हो या? मैं 99% ऑफ द टाइम सात्विक खाना खाती हूँ और मैं इसीलिए जैसे मैंने कोई रिजिड करके नहीं चलती, तो एक 1-2% मैंने थोड़ी खुली छूट दे के रखी है कि कोई इश्यू हो जाए कुछ भी, या कभी खुद आपको लगे कि नहीं इट्स ओके, थोड़ा सा आपको अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। एंड यू बिलीव दैट लाइक हाउ फूड अफेक्ट्स योर माइंड एंड स्पेशली योर स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस? एक्चुअली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत फिट है। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में भी परफॉर्म करना पड़ता है जब आप बीमार हैं, तो उस वक्त फिजिकली शायद आप फिट नहीं है पर मेंटली आपको बहुत फिट होने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं इन कुछ छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देती हूँ सो दैट आई कैन वर्क अच्छे से जब मैं कथा कर रही हूँ तब, और वो मुझे हेल्प करता है ये। और इसलिए मैंने कहा मैं 1-2% रखती हूँ वो चेंज देखने के लिए कि चेंज कैसे आ रहा है, चाहे मेरे थॉट्स में चेंज, चाहे मेरे फेस पे चेंज, चाहे मेरे बॉडी में चेंज, चाहे वो इमोशनली मैं कैसा फील कर रही हूँ, और वो चेंज मुझे दिखता है। और इसीलिए फिर मैं ज्यादा इंक्लाइंड वो 98-99% की तरफ हूँ सो दैट यू नो कि मैं एक बहुत ही स्टेबल लाइफ जी। उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप फील होती है कि वो 99% मुझे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। और वो स्टार्टिंग से 99 नहीं था, उसने जब मुझे चेंजेस दिखाए तब जाके मैंने उसको और आगे किया। और हर इंसान यही करता है एंड देन आपको रिजल्ट्स दिखते हैं बट इट टेक्स टाइम। उसमें भी यू कैन नॉट कंपेयर कि उसको तो जल्दी दिख गए, मेरे को तो 6 महीने हो गए अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। तो इट विल टेक टाइम, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। और अभी जैसे आजकल बहुत ज्यादा ये वेव चल रही है शुगर वेव, शुगर फ्री वेव और शुगर अल्टरनेटिव्स वेव, आपका शुगर को लेकर क्या थॉट है? Is it okay to have या नहीं लेना चाहिए, इससे बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं? मैं काफ़ी कम मैंने किया है चेंज, वही चेंज देख कर, पर जैसा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई भी रिजिड एग्जैक्ट नहीं करती क्योंकि वो बॉडी आपको दिखाता है जब आप फिर अचानक से अगर, क्योंकि मैंने एक दो बार कुछ क्रैश डाइट्स वगैरह किए थे कुछ इवेंट्स के लिए, तो फिर जब मैंने काफ़ी समय तक काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी और जब आपने उसको वापस लेना शुरू किया या खाना शुरू किया तो बॉडी बहुत अलग वे में रिएक्ट करती है या वो एक्सेप्ट नहीं करती है उसको, तो तब मुझे समझ आया कि नहीं आपको थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा
कि हाँ एकदम ही आप कहे कि नहीं मेरे लिए, चलो मैंने मान लिया एकदम अनहेल्दी है, कुछ इमोशनल एनर्जी के फूड होते हैं. फॉर एग्जांपल चाय मेरा एनर्जी फूड है. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिन की एक चाय तो अच्छी होनी चाहिए और उसमें सब होना चाहिए. क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट जुड़ा है मेरा उसके साथ कि मुझे चाहिए एक दिन की अच्छी चाय. और मैं सोच समझ के ले रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि अगर मैं नहीं ली तो मैं मुझे कोई दिक्कत, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी देती है. तो एक तो उसमें जो चीनी लगती है, मैं पूरे दिन में सिर्फ उतना ही शुगर लेती हूँ. उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी जो प्रॉपर रिफाइंड शुगर है वो नहीं लूँ. फूड्स के थ्रू आपके पास जो शुगर जा रहा है वही ठीक है, बट फिर वो लिया मैंने क्योंकि मैंने उस सेक्टर को भूखा नहीं रखा. कि आपको ऐसा ना कि अरे, वरना कि एक टाइम बाद ना आपकी लाइफ कैसे उठ जाती है कि मैं काम तो कर रही हूँ पर आपको लगता है एंजॉयमेंट तो नहीं है, ना ठीक से खा रहे हैं, ना ठीक से घूम रहे हैं. तो फिर मुझे लगता है इस मेहनत का क्या फल है, क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको थोड़ी सी भी खुशी नहीं है, खाने की खुशी नहीं है, घूमने की खुशी नहीं है. तो मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ. इट्स लाइक आई डिड डाइटिंग फॉर 10 days एंड आई लॉस्ट 10 days ऑफ हैप्पीनेस. ट्रू, आई हैव डन दैट. मैं उस गली जा चुकी हूँ. आपका कोई एक्सरसाइज रूटीन भी है? प्रॉपरली रूटीन नहीं, बट हाँ मैं एक्सरसाइज कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, बिकॉज मेरा काम बैठने का बहुत है. तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बाहर क्योंकि घूम नहीं सकती, लाइक मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा वॉकिंग पसंद है, बट आई के नॉट वॉक आउटसाइड कि लोग रहते हैं, कि आप जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ ही बाहर लोग आ जाते हैं, तो आप कहीं तो आपको रूम के अंदर थोड़ा करना पड़ता है. तो थोड़ा कुछ योगासन हो जाते हैं, थोड़े कुछ एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा कार्डियो का कुछ हो जाता है. सो मैंने कुछ टाइम तक वर्कआउट प्रॉपरली किया था, मैंने काफ़ी वेट लॉस उसके थ्रू लूज़ किया था. तो मुझे अभी थोड़ा आइडिया है कि आपको क्या करना चाहिए, आप मेरे बॉडी को कौन सी एक्सरसाइजेस सूट करती है. हेल्थ को लेके हमने काफी बातें कर ली और अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप्स और टाइम मैनेजमेंट को लेकर. अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो रही है या मे बी कोई ऐसा इंसान है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे से कोई क्लोजली रिलेटेड है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे हम ये सोचें कि हमारी किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है, भगवान हमारे लिए ऐसा चाहता है, या फिर हम ये सोचें कि हमारे एफर्ट की कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, या वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट. आई थिंक बैलेंस. जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आप हर चीज देखते हैं. कभी कभी हम कहते हैं ना कि आपके सामने फेलियर आया तो शायद अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है आपके लिए. क्योंकि कहते हैं ना इंसान को हर चीज सही वक्त पर मिलती है, पर उस वक्त पे आप तैयार होने चाहिए. जैसे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि एक गाँव था जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी. तो वो सब भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो जाए. तो इंद्र भगवान आते हैं और उन्होंने शायद कोई टाइम दिया कि इतने समय बाद बारिश होगी. तो सबने कहा उसमें तो बहुत टाइम है, तो इतनी मेहनत करके क्या फायदा. पर एक आदमी था जो रोज आता था और अपने खेत पे काम करता था कि बीज डालना और जो मुझे एग्जैक्टली जो टेक्निकल काम है वो नहीं पता, पर वो जो उसको काम, तो सब हंसते थे उस पर कि जब बारिश होने ही नहीं वाली है अभी तो ये सब काम करके क्या फायदा. पर वो सुनता नहीं था, वो अपना काम करते रहता था. देखा जाए तो एवरीडे वो फेलियर उसके सामने आ रहा है कि वो काम मेहनत तो कर रहा है, बारिश हो नहीं रही है, पर वो अपना काम करता था. और जिस दिन बारिश हुई उस दिन बाकी सब तैयार नहीं थे, उनके खेत तैयार नहीं थे, उनके बीज नहीं रखे हुए थे, पर इसकी रोजाना तैयारी चल रही थी. तो वो बारिश ने उसको हेल्प किया और जो काम होना था, उसकी खेती होनी थी, वो हो गई क्योंकि वो रेडी था. तो आप बैठ नहीं सकते कि अभी समय सही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आई नहीं, जब आएगी तब करेंगे, तब आप रेडी थोड़ी होंगे. तो ये दो चीज है कि एक है कि आप टाइम पर भरोसा रखते हैं कि हाँ सही टाइम जब आएगा मेरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पर दूसरी तरफ ये भी कि उसके लिए मुझे क्या काम करना है, मैं कहाँ कम हूँ, या मुझे कौन से सेक्टर्स है जिनको ठीक करना है अपने लिए. चाहे अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं तो शायद मेरा कंटेंट सही होना चाहिए. अब आप सोचेंगे जब फॉलोअर्स आएंगे तब हम अच्छे कंटेंट डालेंगे, ना फॉलोअर्स आएंगे ना कंटेंट. एग्जैक्टली. तो फॉलोअर्स आना टाइम की बात है, पर कंटेंट डालते रहना ये आपकी मेहनत है. हर बॉल को खेलना जरूरी है जी, तभी कभी ना कभी सिक्सर लगेगा. एग्जैक्टली. आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें मिस करी एज अ चाइल्ड और एज अ गर्ल व्हाइल ग्रोइंग अप, क्योंकि एक साथ आपकी दो जर्नीज चल रही थी, एक नॉर्मल जर्नी जो हर इंसान की होती है और एक स्पिरिचुअल जर्नी भी. डू यू थिंक कि आपने उस जर्नी में कुछ बहुत सारी चीज़ें मिस भी करी जो एक नॉर्मल लड़की करती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कही, मैंने एक्चुअली अपना बचपन पूरा मिस किया है. रियली?
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वो बचपन के जो खेल कूद होते हैं या सिर्फ फ्रेंड्स के साथ एक चिल टाइम होता है, मेरे पास उतना टाइम था नहीं क्योंकि मैंने काम उसी वक्त शुरू कर दिया था. सो इट्स ईदर कि आप काम कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स है, होमवर्क है, ट्रैवलिंग है, क्योंकि वीकडेज में स्कूल होता था, वीकेंड्स में इवेंट्स होते थे. तो मैंने वो टाइम को जिया नहीं ठीक से. बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं, मेरे जो कई दोस्त हैं उनका सही स्ट्रगलिंग टाइम अब शुरू हुआ है. तो वो अभी के टाइम को मिस कर रहे हैं क्योंकि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तपस्या फेज में जाना होगा. जी, अगर आपको एक एवरेज लाइफ जीनी है देन तो आप हो सकता है हर चीज को एक्सपीरियंस करें. बट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको शायद कुछ ना कुछ तो मिस करना पड़ेगा, जो मैंने भी किया. बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं regret है क्योंकि जो मिला वो बहुत बड़ा है. सो इट्स ओके. एज अ चाइल्ड आपने वो मैनेजमेंट या वो टाइम मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड किया? बिकॉज आई एम श्योर 12th में जब कोई होता है तो वो इतना ज्यादा मैच्योर या फिर टाइम को लेकर हम इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होते कि हम हर चीज को मैनेज करना सीखें. 12th में मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट भी मैंने बहुत सोच के नहीं किया, बस मैं खाली नहीं बैठ रही थी. सो इट वॉज मॉर्निंग में उठते ही आप स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से आते ही आप ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, देन थोड़ा 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप होमवर्क एंड एवरीथिंग, देन उसके बाद जो आपको टाइम मिल रहा है तब वो मैं पूरा श्रीमद् भागवत को देती थी. वो पढ़ते पढ़ते आई यूज्ड टू स्लीप, देन मॉर्निंग में उठ के फिर स्कूल. तो आपको पता ही नहीं चला कि वो समय कब निकल गया. इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग ना, मुझे ऐसा लगता है आप खुद टाइम मैनेज कर लेते हो. जब आपको बहुत सोचना पड़े कि कैसे करें क्या करें, देन आई थिंक आपको सोचना फिर दूसरी तरफ है कि आपको रियल में ये काम करने का मन है भी कि नहीं. वो पैशन अंदर से है, वो खुद इंसान समय निकाल लेता है, उसको इतना सोचना नहीं पड़ता. जब आप बहुत सोचते हैं कि अरे मुझे मैनेज करना है, कैसे करूँ क्या करूँ, तो शायद आप उस काम से इतना प्यार नहीं करते. अगर आप प्यार करते होंगे तो आप खुद ही अपने आप वो चीज मैनेज होती जाएगी. So how do you find, like, अभी आज की डेट में जब आपकी लाइफ I'm sure इतनी हेक्टिक है, बैक टू बैक आपके, आपको ट्रैवल भी करना है, आपके सत्संग भी है, सारी चीजें, then how do you manage, मतलब दिन में एक घंटा निकालना कैसे, how do you manage that? मेरे लिए वो नाइट रूटीन होता है मेरा. अच्छा, ओके. क्योंकि दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि दिन में यू नो यू हैव वर्क एंड देन सेशंस भी होते हैं जो खुद 3-4 hours सेशन ही ले जाते हैं पूरा. देन यू मीट न्यू पीपल, तो दिन पूरा निकल जाता है इन चीजों में. बट रात को सोने से पहले आई हैव सम रूटीन के, चाहे वो मेरी मेडिटेशन का रूटीन हो जाता है, वो मेरे रीडिंग्स का रूटीन होता है. तो 2-3 काम है जो मैं सोने से पहले करती हूँ, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती है. और वो एंटरटेनमेंट भी मेरा उसी वक्त है कि मुझे सोने से पहले कुछ अच्छा देखना है जो मुझे हंसा रहा है, या जो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक अब आराम से आप सो रहे हैं, कि आप अब दिन खत्म हो गया, अब काम या टेंशन या ये करना है, रूटीन है, सब कुछ खत्म. अब थोड़ा कुछ देखते हैं, कुछ थोड़ा हंसते हैं, और हंसते हंसते सोते हैं ताकि सुबह उठे भी तो हंसते हंसते उठे. सो आपके वो टिपिकल बिलीव्स नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के मुझे ये चैंटिंग करनी है या ऐसा करना है? ये देखिए, मैं थोड़ा सा रिजिड किसी भी चीजों को लेकर नहीं होती. आई थिंक दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट यू, क्योंकि प्रैक्टिकल. हाँ, आज जैसे बच्चे की मैंने बात की ना, मुझे बच्चे को खाना खिलाना है. जब आप रिजिड हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन वो काम करना नहीं है, आपका इंटेंशन सीधा सिर्फ उस रूटीन पे चला गया. जैसे अगर स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम पे जरूर कुछ वे में ट्विस्टेड हो चुके हैं क्योंकि टाइम नहीं है. आप जब मंत्रों की बात करें, उच्चारण की बात करें, ऑब्वियसली एक तरीका होता है करने का. बट अब वो तरीका अगर आप कहेंगे नहीं, आप एक ही आसन पे कर सकते हैं, आप एक ही जगह कर सकते हैं, घर नहीं चेंज होना चाहिए, तो बच्चा नहीं करेगा. क्योंकि मैं ट्रैवल, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और अगर कोई मुझे ये कह दे कि अगर आपको वैसा मेडिटेशन करना आप अपने ही घर कर सकते हैं, तो मैं तो महीनों नहीं कर पाऊँ. क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है, आपको काम भी करना है, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. मैंने कोई वैराग्य तो लिया नहीं है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही, तो आई हैव टू डू दोस थिंग्स. तो मैं अपने ऊपर लेकर सोचती हूँ कि अगर मैं ही नहीं कर सकती तो मैं किसी और को कैसे बोलूँ. वो भी तो काम कर रहे हैं और मैं फिर भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ. कुछ होंगे जो नहीं होंगे, जो इस जर्नी में अभी अभी आ रहे हैं, तो मैं कैसे एक रिजिड लाइन खींच दूँ कि ये है तो ये आना वरना मत आओ. नहीं आएगा वो. तो इसका मतलब मेरा इंटेंशन उनको स्पिरिचुअल बनाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है ये रूल है इसको फॉलो किया तो फॉलो. तो मैं ये सोच लेके नहीं चलती. यू आर वेरी यंग और इतने यंग एज में आपने इतना कुछ अचीव भी करा, आपको इतनी पॉपुलैरिटी भी मिली, तो ऑनेस्टली कभी कहीं किसी एंगल से कोई ईगो आई? और अगर आई तो हाउ यू डेल्ट विद इट? नहीं,
अच्छा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा वापस जैसे कि स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी गुड थिंग आपके लिए, और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक रिलीजियस वे है. तो जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो उसमें जब अर्जुन बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं मारूंगा, मैं करूंगा, मेरे हाथों से होगा, तो भगवान ने बहुत अच्छे से बोला कि तुमको कौन बोल रहा है कि तुम कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ और मैं कब से करवाता आ रहा हूँ, तुम कोई हो ही नहीं करने वाले. तो तुम्हारा सोचना कि तुम कर रहे हो सबसे बड़ी भूल है. ये मैं करवा रहा हूँ, मैंने ये सिचुएशन रखे तुम्हारे सामने, इसीलिए तुम कह रहे हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेज या ये आवाज, ये सब कुछ पहले भी था. मैं बातें पहले भी अच्छी ही करती थी, अभी क्यों आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी उसने दिखाना, वो लाइमलाइट उसने डाली है मुझ पर कि हाँ, अब इसको दुनिया देखेगी. लेकिन जहां मैंने सोचना शुरू किया ये तो मैंने किया, वो लाइमलाइट तुरंत हट भी जाएगी. तो मुझे ऐसा लगता है ये मैं नहीं कर रही, ये वो है जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तुमको इस लायक समझता हूँ कि तुम ये अच्छा काम कर सको, तो इसलिए काम करो. लेकिन जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने किया है, तो आप हमेशा याद रखिए, आप मुझे अच्छे से अच्छा आदमी दिखाइए, टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग दिखाइए, उनसे भी अच्छा एक दुनिया में होगा. तो ये सोच लेना कि मैं ही बेस्ट हूँ और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये आदमी की सबसे बड़ी भूल होती है और यही ईगो लेकर आती है. तो मेरे अंदर ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रही. वो लाइमलाइट मुझ पर आई इसलिए मेरा काम दिख रहा है, वरना ये तो मैं सालों से कर रही थी. मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं पहले गाती थी, आवाज तो यही है, देखिए कोई मैंने बहुत संगीत की शिक्षा नहीं ली है, मैंने शुरुआत में 2 साल सीखा था और वही बहुत ही शुरुआती था, और मैं नहीं कहूँगी अभी मुझे कुछ भी याद है उसका. तो मैंने वो, आप एक बच्चे होते और आपको सिखाया जाता है, तो एज सच मेरे पास कोई बहुत पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है गाने का. मैं पहले भी गाती थी, मैं आज भी गाती हूँ, तो मैं जब जाती थी तो लोग उस आवाज को इतना पसंद नहीं करते थे, या बात करते भी थे तो बोले ये गाएंगे क्या इस आवाज में. और आज वही आवाज सबको अच्छी लग रही है कि आपकी आवाज तो हमारे प्रॉब्लम्स दूर कर देती है, या हम तो सुबह उठते ही वो भजन चला देते हैं. तो मुझे सब ऐसा क्यों है, आवाज तो यही थी, मैं ही थी सब कुछ, लेकिन अब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है. तब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो लाइमलाइट उसने डाली है कि तुमने मेहनत करी, जब स्ट्रगल था तुमने वो मेहनत छोड़ी नहीं. तुम ये नहीं सोचा कि नहीं ये मेरे लिए बना नहीं है या सब बुरे बोल रहे हैं अब तो मैं कुछ नहीं करूं. तुम अपना काम करते रहे तो उसका फल मिल रहा है कि लोग अब उसी की तारीफ कर रहे हैं. कथा में भी यही हुआ था, जब मैंने कथा शुरू की थी तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में करती हूँ, तो मेरा क्रिटिसिज्म यही था कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ये क्या है, कोई भी कर लेगा. अच्छा, और अब यही मेरा अप्रिसिएशन है जो आपने कहा कि बहुत सिंपल है, हर कोई समझ जाता है. तो तुम काम करते रहो, तुम्हारा क्रिटिसिज्म ही तुम्हारा अप्रिसिएशन बनेगा. बस उस काम को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो बैठा है ये देखने के लिए कि जो मेहनत कर रहा है इसका फल इसको मिले. जो भगवान अर्जुन से भी कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ सब, तुम्हारा काम सिर्फ लड़ना है, जीतेगा कौन हारेगा कौन ये सोचना तुम्हारा काम है ही नहीं. तो इसीलिए मैं ये सोच लेके चलती हूँ, तो वो ईगो नहीं आती कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपना मेहनत कर रही हूँ, बाकी सब वो कर रहा है. तो इस पॉडकास्ट से ऐसे कई होंगे जिनको अपने क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, कि उनके क्वेश्चन मुझ तक नहीं पहुंचे होंगे, आप तक नहीं पहुंचे होंगे, पर हमने अपने कॉन्वर्सेशन में उनके आंसर्स दे दिए. सो इट्स अ वेरी गुड वर्क, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर कमिंग. आई होप कि इस डिस्कशन को देखकर आप लोगों को मजा आया होगा, ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. अब अगली बार इस चैनल पे आप मेरे साथ किन्हें देखना चाहेंगे उनका नाम कमेंट में जरूर बताइए. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन फिट रहो, फिट रहो.